तो अभी हम आपको दिखाने वाला हूँ स्विफ्ट VXi सिल्वर कलर के अंदर, और हम पहुँचे हैं ऑडी मोटर झुंझुनू के अंदर, और हमारे साथ में मौजूद है मामरा जी। मामरा जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। एक्चुअली बताइए, स्विफ्ट ये VXi वेरिएंट है ना? जी सर। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कस्टमर इतनी ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं इस गाड़ी को, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। खास बात तो ये है सर, इसका एवरेज है वो बहुत ही शानदार है, 23.20 किलोमीटर प्रति लीटर एवरेज है इसका। इस गाड़ी के अंदर 1197 सीसी का इंजन है, 1200 सीसी 1.2M, और परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। इसका कारण ये 2006 में लॉन्च हुई थी और आज तक वैसी ही इस गाड़ी की डिमांड है। इसकी वैल्यू फॉर मनी है, रीसेल वैल्यू है, एवरेज है, इन्हीं कारणों से ये कस्टमरों के बीच में मार्केट में टिकी हुई है। और इस गाड़ी का सबसे खास बात यह है कि लोगों के बीच के अंदर आज तक वैसी की वैसी ही इसकी सेल है, इसकी सेल में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। पहले दो प्रकार के इंजन आते थे इसमें, डीजल और पेट्रोल, अब डीजल बंद होने के बाद में भी इसकी सेल में कोई भी गिरावट नहीं आई है, वैसे ही सेल बढ़ती जा रही है इस गाड़ी की। जैसा कि मामरा जी ने बताया कि आखिर लोग स्विफ्ट को इसलिए इतना पसंद करते हैं क्योंकि 2006 के अंदर लॉन्च हुई थी और उसके बाद में जिन कस्टमर्स के पास में ये कार थी वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड थे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ VXi वेरिएंट, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं मामरा जी। मामरा जी फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दो। इसकी गाड़ी का जो अभी ये न्यू स्विफ्ट आई है अभी पिछले 12 महीने की, इसकी जो ग्रिल है बड़ी ही अट्रैक्टिव है। इसके बीच के अंदर क्रोम दिया है, इसका सुंदर लोगो दिया है, इसका बोनट का जो शेप है वो चेंज किया गया है। आप देख सकते हैं फ्रंट के अंदर काफ़ी और बोल्ड और यूनिक और आई कैचिंग कार आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कोई भी अगर इस गाड़ी को देखता है तो उसको देखते ही पसंद आ जाती है, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो या फिर बच्चे हो। और जो फर्स्ट पसंद है, कोई भी अगर फर्स्ट टाइम कार खरीदता है तो उसकी फर्स्ट पसंद स्विफ्ट ही होती है और या फिर मारुति की कार होती है। तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको साइड के अंदर, और साइड के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं उसके बारे में। साइड से अपनी इस गाड़ी को देखते हैं तो इस गाड़ी की टायर साइज 14 इंच के रिम है, अट्रैक्टिव सुंदर इसके व्हील कवर्स है, तो ये देख सकते हैं हाई ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का, जो रोड पे ब्रेकर्स पे चलाने में इजी रहती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं साइड के अंदर गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm रखा गया है, जिसकी वजह से गाड़ी एकदम कंफर्टेबल है, साथ में गाड़ी की ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी शानदार रहती है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं साइड के अंदर। उसके अलावा आपको ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिलने वाले हैं, साथ में बॉडी कलर और डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं। अभी मैं आपको ले चलता हूँ, एक जो सबसे जो खास और हट के चीज़ वो मुझे देखने के लिए मिली वो आप इसके डोर्स देख सकते हैं। यहाँ पर पावर विंडो के पास में यहाँ से ओपन होते हैं। उसके अलावा अभी मैं आपको ले चलता हूँ रियर के अंदर। हाँ, तो अभी हम आ गए हैं रियर के अंदर, और रियर के अंदर क्या क्या रियर मिलने वाले हैं? इसके अंदर सी शेप टेम्प लैंप दिए हैं कंपनी के, जो एक यूनिक फीचर था इस शिफ्ट के अंदर। उसके साथ में और आपको इसके अंदर LED भी मिलेगी। LED मिलेगी? हाँ बिल्कुल सर, LED मिलेगी। पार्किंग शानदार लुक, जो रिवर्स पार्किंग सेंसर भी इस गाड़ी के अंदर इनबिल्ट आने लगे हैं। इस गाड़ी का शानदार बूट स्पेस 268 लीटर का है, और साथ में पार्सल ट्रे भी है जिस लगेज एक्स्ट्रा लगेज के लिए। देखिए आप इस गाड़ी के अंदर से बूट स्पेस बहुत ज़्यादा काफ़ी दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है स्विफ्ट के अंदर। तो अभी गाड़ी के अंदर इंटीरियर के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं वो आपको चेक करवाता हूँ। इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर सबसे पहले हम इसके चारों पावर विंडो के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे चारों पावर विंडो के स्विच दिए हैं, और टॉप डाउन का स्विच भी दिया है, लॉक अनलॉक का भी दिया है, और विंडो का भी दिया है। साथ में इलेक्ट्रिक ORVM है, जो ORVM को बाहर अंदर से बैठे ही अपन सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सेफ्टी के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं? सेफ्टी के अंदर मारुति ने अब नया फंक्शन, यूनिक फंक्शन दिया है, ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, जो कि सेफ ड्राइव के अंदर बहुत ही खास बात है, ये गाड़ी को एक्सीडेंट होने से बचाता है। नॉर्मली क्या है कि गाड़ी का कंट्रोल बहुत ही अच्छा रहता है। एयरबैग दो मिलने वाले हैं, दो एयरबैग है, साथ में ABS CVD पार्किंग सेंसर भी है, ये मिल जाने वाले हैं। बिल्कुल, स्टीयरिंग पर माउंटेड ऑडियो कंट्रोल सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है, चारों स्पीकर्स गाड़ी के अंदर दिए हुए हैं। उसके अलावा ये ड्राइवर सीट है, हाइट एडजस्टेबल है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, देखो इस गाड़ी को हाइट यहाँ से हाइट एडजस्ट अपन कर सकते हैं। उसके अलावा ये चीज़ें हैं, ठीक है। अभी गाड़ी की प्राइस के बारे में बात करते हैं और क्या ऑफर्स वगैरह चलते हैं। अभी गाड़ी का एक शोरूम प्राइस क्या है वो थोड़ा बताओ आप। इस गाड़ी के एक शोरूम प्राइस के बारे में अपन बात करते हैं, 695 से स्टार्ट होता है VXi मॉडल, और इस गाड़ी के ऊपर अभी अप्रैल माह का जो कंज्यूमर ऑफर चल रहा है टोटल 34,000 का चल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इंक्लूड करके 34,000 रुपये का इस गाड़ी के ऊपर ऑफर है, तो ये देख सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।